I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक अल्लाह का शुक्र। और ये वाला जो व्लॉग है ना, लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था और उसके बाद यानी कि हम लोग बाहर चले गए थे, मैं सारा काम करके तो हम बाहर चले गए थे, ये व्लॉग तब का है, ठीक है। तब मैंने इस व्लॉग को शूट किया था, मतलब नेक्स्ट मैंने उधर से ही स्टार्ट कर दिया था। हम लोग बाहर आ गए थे और हमको बाहर लेकर हम लोग आए कि चलो थोड़ा मतलब खेल शेल ले और ये वो, क्योंकि वीकेंड पे इतना ज्यादा रश है, इतना ज्यादा रश होता है कि हम नहीं ला सकते हैं, बच्चे होते हैं और अपनी तरफ से एहतियात कर रहे हैं। आगे अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और ये कोविड पता नहीं कब इससे जान छुटेगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इससे बचाए, बस आमीन। तो खैर हम लोग बस गए, हम लोग अरहाम को लेकर गए। हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा खेल कूद लेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं कि पार्क्स वगैरह जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हुई, इवन कि इन लोगों ने लाइट्स भी ओपन नहीं की, ऑन नहीं की। और लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ज्यादा रश है, इतना ज्यादा रश है। वीकेंड पे लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, और इतना ज्यादा रश होता है, पार्क फुल भरा हुआ होता है, और तब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ना कोविड का कोई सीन है ही नहीं, ऐसे फील हो रहा होता है। लेकिन हर बच्चे भी काफी टाइम से बंद बंद है घरों में, जाहिर सी बात है स्कूल भी नहीं जा रहे, घर में ही घर में। तो बड़े तो समझदार हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि नहीं जाना ये वो, लेकिन छोटे बच्चों को कितना सा बंदा समझाए और कितना सा अंदर बंद करके रखे। तो चले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा खुल गई है पार्क वगैरह, तो अच्छा हो गया। और हम लोग भी यहाँ पे चूंकि वीकेंड पे बहुत ज्यादा रश होता है, फैमिलीज आती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं पार्क्स वगैरह में, मतलब चली जाती हैं, कुछ बारबेक्यू कर रहे होते हैं, कुछ फैमिली मतलब इकट्ठी, कुछ फैमिली ज्यादा मिलजुला के इकट्ठी हुई होती हैं, गैदरिंग हो रही होती है, और इस तरह से सीन होता है। हम लोग यहाँ पे हैं जी सिर्फ दो लोग, बल्कि तीन लोग हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरे हस्बैंड और अरहाम। कोई यहाँ पे हमारी कोई फैमिली इस तरह से है नहीं कि जिसके साथ हम बाहर जाएं, मुझे जो कि बहुत अच्छा लगता है कि बाहर जाएं। और हम लोगों ने बहुत दफ़ा प्लान किया कि भाई हम बाहर जाएं, हम लोग भी बारबेक्यू वगैरह करें, लेकिन सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड होते तो फिर हम लोग नहीं जाते कि सिर्फ दो लोग क्या मजा, तो दो लोगों से मजा नहीं आता, दो तीन फैमिलीज हों फिर बारबेक्यू वगैरह किया जाए ना, तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है और मजा आता है। तो खैर पहले भी ऐसा होता था कि मतलब हम लोग खाना वगैरह बना के ले जाते थे, या सम टाइम बाइक से ले लिया तो पार्क में बैठे खाना शाना खाया, थोड़ा लेट नाइट वापस आते थे, या इस तरह से हम करते थे। लेकिन इस दफा कोई भी सीन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से, और अभी भी पार्क्स ओपन वैसे नहीं हुई, हल्का फुल्का से इन्होंने कंसेशन दिया है और प्रॉपर ओपन नहीं, अगर प्रॉपर ओपन होती तो फिर हम लोग भी अभी मतलब इस तरह से कर लेते, लेकिन फिर हम लोग अभी नहीं कर रहे। तो खैर हम लोग घर वापस आ गए, खाना मैंने जो है वो लेट खाना है, तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा हल्के फुल्के से स्नैक्स खा लेते हैं, तो अभी मैं वो खा रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रही थी कि बताना चाह रही थी, बल्कि आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब हम घर वापस आए ना, तो एक बहुत ही सैड न्यूज, एक बैड न्यूज मिली, और शॉक भी थी, मतलब सोचा नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और अभी आपको पता है कि मैंने कल, मेरी कल रात 11 बजे की फ्लाइट है, और मुझे जो है वो टिकट कैंसिल कराना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि हम इसको एक्सटेंड करा लें या कुछ इस तरह से कर लें, तो ये हम कर ही नहीं सकते, और हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि टिकट कैंसिल करा दें। तो बस कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आप टिकट कैंसिल कराना पड़ा, जाहिर सी बात है थोड़े सा टाइम रहता है, थोड़े घंटे रहते हैं, मैंने जाना था, ठीक है, लेकिन वहां पे भी मेरी फैमिली जो है वो वेट कर रही है, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, मेरे इन लॉज वेट कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड अरहाम से मिलने के लिए, और सब वेट कर रहे थे, और स्पेशली जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने ना सब ने अरहाम के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए हुए थे, और वो मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि अब आए अरहाम, आएगा अरहाम को देखे देंगे और उसके एक्सप्रेशन देखेंगे वो क्या करेगा ये वो ना, जाहिर सी बात है 7 मंथ का अरहाम तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग। लेकिन क्या हो सकता है, बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर खैरियत रखे, और जो हुआ वो है अल्लाह पाक की तरफ से हुआ, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन है टिकट कैंसिल कराना पड़ रहा है। अभी मेरे हस्बैंड जो है वो जाएंगे बस टिकट कैंसिल कराने के लिए, और वो टिकट कैंसिल कराएंगे क्योंकि 24 आवर्स पहले ही वो टिकट हमें कैंसिल कराना। तो खैर हस्बैंड जा रहे हैं टिकट चेंज कराने के लिए, और चेंज नहीं कैंसिल कराने के लिए, ठीक है, तो वो कैंसिल कराने के लिए जाए क्योंकि हमारे पास मैंने बताया ना कि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह पाक खैर रखे। और गल्फ एयर का हम लोगों ने कराया था, डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, और बस चले है क्या हो सकते है क्या नहीं, और अल्लाह की मर्जी, और जो होता है उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होती है, कोई ना कोई मसलहत होती है, हमें नहीं पता होता कि इसमें हमारे लिए बेहतरी है या नहीं है। लेकिन आप मुझे प्लीज दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।